पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने शुक्रवार को बेतियाहाता स्थित चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में फल और मिष्ठान का वितरण किया और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सुशासन के दिवस के रूप में मनाती चली आ रही है, जिसके तहत कुष्ठ आश्रम में मिष्ठान व फल का वितरण करके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने कहा। भारत के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न डॉक्टर अटल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कुष्ठ आश्रम में हमारे बीच पूर्व मंत्री राज्यसभा सदस्य और एक तरह से यहाँ के संरक्षक आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी उपस्थित हैं। आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी से आग्रह करूँगा पढ़कर आदरणीय विनोद पांडे जी के चित्र पर माल्यार्पण। जिस हाल में ये कार्यक्रम हो रहा है ये मंत्री जी के सौजन्य से यहाँ प्राप्त हुआ था और प्रतिवर्ष निश्चित रूप से आपके द्वारा कार्यक्रमों का निर्देश दिया जाता है, उसमें मार्गदर्शन दिया जाता है और सहयोग दिया जाता है। इस परिसर के प्रत्येक मंत्री जी के पिछले वर्ष कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, निर्देश दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है और इस महामानव की स्मृति में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा निर्देश रहा है कि कुछ आश्रम में आप लोग प्रत्येक पर्व त्यौहार तो और उनके सपनों का भारत आज बनने को उद्यत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आजाद शत्रु के रूप में विख्यात श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार में पूर्व वित्त राज्य मंत्री, लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री शिव प्रताप जी शुक्ल यहाँ पर उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री विनोद पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ नेता श्री हरिप्रकाश मिश्र जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री विष्णुकांत शुक्ल जी एवं भारतीय जनता पार्टी के इस दीनदयाल नगर मंडल के अध्यक्ष श्री सिद्धांतो घोष जी, श्री विनोद दुबे जी एवं सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी आम नागरिक बंधुओं, आज हम सभी यहाँ बड़ा हर्ष का विषय है कि हम सभी आज यहाँ कुष्ठ आश्रम से एकत्रित हैं। आज अपने श्रद्धेय नेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती आज इस कुष्ठ आश्रम में हम सभी यहाँ मना रहे हैं। लगातार जैसा कि अभी संचालक महोदय ने कहा है कि इस हाल का जो शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम था अपने पूर्व वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री शिव प्रताप जी शुक्ल के कर कमलों के द्वारा हुआ है, वो लगातार इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित होते हैं। हम सभी को गर्व है कि हम सभी नीचे इस कार्यक्रम को करते आए हैं और आज के इस शुभ दिवस पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी जी का जन्मदिन है
और साथ ही खुशी की बात यह है कि आज 25 दिसंबर आज ही के दिन महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म था हुआ था और तो और गीता जयंती भी आज ही है। गीता आप सब लोग पढ़ते हैं और गीता के बारे में आप जानते हैं कि वो आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। आज इतने पुनीत शुभ अवसर पर मैं यहाँ पे स्थापित भोला बाबा के पूरे परिवार को सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और खुशी की बात है हम सबके अभिभावक, राज्यसभा के सांसद, पूर्व वित्त राज्य मंत्री और आज भी राज्यसभा के व्हिप के इनको जिम्मेदारी मिली है, ऐसे बड़े भाई शिव प्रताप शुक्ल जी का मैं स्वागत करती हूँ। अपने बड़े भाई जो MLC भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं, ऐसे आदरणीय पांडे जी का मैं स्वागत करती हूँ। आज कार्यक्रम के आयोजक हमारे पार्षद जी, ऐसे शुक्ल जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी गरिमा में उपस्थिति करते हुए और वास्तव में यहाँ पे जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हरि प्रकाश मिश्र जी हमेशा वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आदरणीय राजेश गुप्ता जी को अटल जी की समाधि भी बनी तो उसका नाम भी वही पड़ा, सदैव अटल, जो हमेशा अटल रहे अपने सिद्धांतों के प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति। और बहुत लोगों ने आलोचना किया लेकिन उन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं किया, इस पर भी वो पूरी तौर पर के अपने जीवन में अटल रहे। लोगों ने कहा कि कुछ कहिए लेकिन नहीं, वह भारत के साथ जैसे अटल रहे वैसे भारत के नेतृत्व करने के वाले के साथ भी रहे। और यही कारण था कि जब बांग्लादेश बना, उसके पूर्व पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वह विपक्ष में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आज इस कार्य करने वाली दुर्गा को मैं नमन करता हूँ। उनको भी उन्होंने भले विपक्ष में रहे लेकिन नमन किया। जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा देखो पहले देश होता है उसके बाद पार्टी होती है। आज देश एक बहुत बड़ी आपदा की स्थिति में है, हमारी नेता केवल और केवल इस समय इंदिरा गांधी है, देश की वो प्रधानमंत्री है। शायद ही कोई इस प्रकार का भाव रखता हो लेकिन वो सभी के लिए रखते थे। आज हम सभी लोग उनसे पूरी तौर पर क्या करते थे, कैसे रहते थे, राजनीतिक जीवन कैसा था, यह चाहिए कि हम लोग उससे सीख लें, सबक लें और शायद एक भी अगर मार्ग उनका ले लेंगे तो हम सभी लोगों के बहुत ही आवश्यक होगा। मैं आज के दिन उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। देखिए आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिवस के रूप में लिया है और हम लोग प्रत्येक वर्ष कुश आश्रम में आकर के फल का वितरण करते हैं, स्थान का वितरण करते हैं यहाँ।
इसी क्रम में आज भी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आज अटल जी के जन्मदिन पर ही जो मैंने अपने सांसद निधि से हाल बनवाया है उसका नाम अटल सभागार करके किया है, यही मुख्य कार्यक्रम था। नहीं, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के संदर्भ में कोई दल नहीं रह गया है, सभी लोग ये करते हैं कि जो भी हो वो अटल जी की नीतियाँ बढ़ें। अटल जी का जो लोगों के प्रति मान था, सम्मान था, वो सब बढ़े, इतना ही।